तो देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन तो नहीं है, और आसान भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे किए हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम है कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, है ना, क्वेश्चन को। तो उसके लिए हमें पता है कि यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, 1 + a² + b² + c², ठीक है, एक सिंगल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए, a² + 1 है, काश यहाँ पे b² होता और यहाँ पे c² होता, तो हम लोग ऐड कर देते, ठीक है, तो हमारा आ जाता। खैर, आपको आइडिया पता नहीं लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो हम देखिए, इस जो डिटर्मिनेंट आपकी है, ये वाली डिटर्मिनेंट, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे a² यहां भी a² और यहां हो जाएगा आपका b² और b² + 1 और यहाँ भी हो जाएगा आपका b² c² और c² + 1 यहाँ पे ले आएंगे हम। लेकिन क्वेश्चन आता है कैसे, देखिए क्या चेंज किया हमने, ये ए बी था, आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। हम इस डिटर्मिनेंट को यहाँ ट्रांसफॉर्म कर देंगे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, वो देखेंगे कैसे है। तो ये आपके कुछ की पॉइंट्स होंगे एक बड़े क्वेश्चंस को डील करने के लिए। तो देखिए, यहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं, ठीक है, और एक बार यहाँ पहुँच गए तो हम रो को ऐड कर देंगे, वी गेट 1 + a² + b² + c². लेकिन यहाँ कैसे पहुँचेंगे, देखिए, तो क्या करें, अगर हम इसमें यहाँ ए स्क्वायर पाना है हमें, तो अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें इस रो में, तो ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा है वो बाद में देखा जाएगा। तो क्या करेंगे हम, R1 को a टाइम्स R1 कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, योर डिटर्मिनेंट बिकम, दैट इज a टाइम्स क्या हो जाएगा, a² + 1 a² b, और फिर क्या हो जाएगा, a² c। लेकिन डिटर्मिनेंट जब भी R1 को a से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट a टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, और वो वही बनी रहे तो हमें a से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि डिटर्मिनेंट वही बनी रहे। अब R2 में आप b से मल्टीप्लाई कर, तो देखिए b² रिकवर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, R2 गिव्स b टाइम्स R2, तो क्या हो जाएगा आपका, ab² b टाइम्स b² + 1 एंड b² c। फिर क्या हो जाएगा आपका, इसी तरह से आप b से मल्टीप्लाई किए तो b से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो। c टाइम्स क्या हो जाएगा, R3, तो यहाँ c से डिवाइड भी कर देंगे, इट बिकम c² a, और क्या हो जाएगा, c² b एंड c² + 1, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग आ गए, ठीक। अब क्या किया जाए, अब एक स्टेप में वहाँ पहुँचना है। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए बड़ा सिंपल है, यहाँ देखिए a है, यहाँ a है, यहाँ a है, तो इस कॉलम को इस कॉलम से a कॉमन कर लें, बात बराबर है कि a से डिवाइड कर दे कॉलम को, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखेंगे आप, c1 ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/a टाइम्स c1, है ना। इसी तरह से जो c2 है, आप क्या करोगे, c2 से देखिए b b और b b कॉमन हो जाएगा, मतलब b से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से c3, दैट इज 1/c टाइम्स c3 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, चूंकि आपने डिवाइड किया है तो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिखोगे 1/abc तो था ही, लेकिन abc ऊपर भी आएगा, है ना। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को जब आप अप्लाई करोगे तो यू गेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कट के 1 आ जाएगा, तो बाहर कोई भी कोफिशिएंट नहीं बचेगा। हुआ क्या, जो आपका डिजायर डिटर्मिनेंट थी वो आपने अचीव कर लिया, और आगे का रास्ता हमने बना ही रखा था कि करना क्या है, रो को हमें एडअप कर देना है, ताकि पहली रो जो हो जाएगी 1 + a² + b² सेम हो जाएगी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन लिखते ही नहीं है ना, जबकि आपको बोर्ड की मार्किंग स्कीम लास्ट में, अगर आपके बोर्ड प्रीवियस ईयर मेरा प्लेलिस्ट करिएगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन के लास्ट में उन्होंने बोर्ड की मार्क लिस्ट मार्क लगाया है कि कैसे मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, उस वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के ही आपको मार्क्स मिलते हैं ना, और इसके भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन सेपरेट मार्क्स होते हैं। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखते हो, इसके बाद ये लिखते हो, तो ये 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी लिखे हैं उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, मतलब वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए,
वो आपने बनाया है ट्रांसफॉर्मेशन न लिख के, है ना, वो फोर मार्क्स का रहा ही नहीं, और एस्पेक्ट कर रहे हो कि आपके आपको फोर मार्क्स मिले, वो मिलेगा नहीं, है ना। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखा करिए, आदत डालिए। शुरू में ऑकवर्ड लगता है लेकिन बाद में आपको आदत पड़ जाती है। खैर, तो रो आर वन को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लिख के, मतलब सारी रो को आर वन में हम एडअप कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, दैट इज वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ भी आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और तीसरी भी आपकी बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका, सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आर टू आर थ्री तो ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं है तो वैसे ही कॉपी कर देते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, यहाँ से कॉमन हो रहा है, ठीक है, इस पहली रो से जो आपका रिजल्ट लाना था वो कॉमन हो रहा है। अच्छा, इसको हटा के LHS लिख के स्टार्ट किए रहेंगे ना। खैर, अब क्या करेंगे, वहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन सोचिए क्या करना है, कॉमन करना है। तो कॉमन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाते हैं, मतलब पहली रो को डिवाइड करना है, तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया वन बाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स आर वन, है ना, कॉमन हो गया। तो डिटर्मिनेंट बिकम, अब चूंकि डिवाइड किया है तो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट वन वन वन, और फिर क्या हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन। क्वेश्चन भले बड़ा हो लेकिन एंकर पॉइंट्स आपको पता है, डेस्टिनेशन पता है कि कौन सी डिटर्मिनेंट ऑब्टेन करनी है, उसके बाद कहाँ लाना है ना, तो वो एंकर पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, भले आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो। अब देखिए, किसी भी डिटर्मिनेंट में आपके तीनों वन आ जाएं तो बड़ा आसान हो जाता है। इस वन को आप इस्तेमाल करके यहाँ और यहाँ जीरो बना लीजिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, मतलब सी टू कॉलम को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कैसे, सी टू माइनस सी वन लगा दें, जब ये वन माइनस वन करोगे जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो बना लीजिए, तो सी थ्री को भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं सी थ्री माइनस सी वन, तो इस वन को यूज़ करके हमने यहाँ और यहाँ जीरो बना लिया, और बाद में इसके अबाउट खोल देंगे क्योंकि उसके अबाउट मैक्सिमम जीरोज हैं, क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट अच्छा एक चीज़ और है, हमें पता है कि ये प्रूफ करना है, इसका मतलब ये वन आ जाएगा, है ना, तो आप आराम से डील करिए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो सी वन में माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन आके यहाँ पे ऐड होगा जीरो हो जाएगा, माइनस वन मतलब माइनस बी स्क्वायर आके ऐड होगा तो कट जाएगा वन होगा, माइनस सी स्क्वायर आके ऐड होगा जीरो हो जाएगा, फिर माइनस वन मल्टीप्लाई के यहाँ ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे वन बचेगा, है ना, दैट इज। अब जो ये है ये तो ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं, ये ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि मैक्सिमम जीरो मिल गए हैं आपको किसके अबाउट, सी आर वन के अबाउट, तो हम क्या लिखेंगे एक्सपेंडिंग अबाउट आर वन, है ना। तो नेक्स्ट आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का आपका क्वेश्चन बचा, यानी एक स्टेप का क्वेश्चन बचा, तो लिख देंगे हम लोग एक्सपेंडिंग अबाउट आर वन, सर तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो बाहर रहेगा ही वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, देखिए थोड़ी गंदी राइटिंग हो रही है ना, सी स्क्वायर, और जब खोलेंगे तो देखिए इसके इसके अबाउट तो जीरो ही होगा, तो बस वन टाइम्स ये बंद क्या बचेगा, वन टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट, मतलब कौन कौन सी, वन वन जीरो जीरो, खोल दीजिए इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपका वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा वन इंटू वन माइनस जीरो, मतलब वन आ जाएगा, कोई फर्क नहीं, दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस, प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन भले लंबा था लेकिन एंकर पॉइंट फिक्स थे, क्या क्या होता गया, इंटरेस्टिंग चीज बीच में होती गई, और आपको कंसंट्रेट करना है इसके सारे ट्रांसफॉर्मेशन पे कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लिखते कैसे हो, अगर बोर्ड में आपको 100 मार्क्स सिक्योर करने या टॉप मोस्ट मार्क्स सिक्योर करने हैं तो।